आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है आपके वर्कशीट चल रहे हैं, तो इसी क्रम में आज देख सकते हैं डेट है हमारी 16/8/2021 यानी कि आज की ही डेट है। आज के आपके वर्कशीट सभी सब्जेक्टों के आ चुके हैं, तो लगातार हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे सभी के सॉल्यूशन और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी हम लगातार प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो क्लास 8 है, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि SST सोशल साइंस। आपका टॉपिक है अध्याय हमारे अतीत 3 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। टॉपिक पार्ट 1 है। तो इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे इनके आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा से रॉयल चार्टर कब प्राप्त हुआ, उसी समय इंग्लैंड के राजा कौन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई कब और किसके मध्य हुई। और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का कारण बताइए। तो इन्हीं पाँचों क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। पहला क्वेश्चन का क्या आपको डाउट आते हैं, तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन का। आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 21 दिसंबर 1600 के दिन हुई थी। इसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को पूरे देशों के साथ व्यापार का पट्टा दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि बंगाल प्रांत मुगलकालीन का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1727 में इसने स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही थी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुंड्रो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। तो यहाँ पर आप इसकी डेट और तिथि जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तिथि बताइए, ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 को, और स्थान है यहाँ पर बक्सर के पास, और परिणाम क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जीत हुई थी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इन सभी 5 क्वेश्चनों के हमने आंसर आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।